Hello everyone, today we will do tissue chapter. This chapter is very lengthy, so today we will cover up till plant tissue only, and remaining part we will do in next part. So our first topic is tissue, but before knowing this you should know about the cell. This is the basic unit of a life, and when these cells combine together to then form tissue. जैसे कि एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए. अब ब्रेक है तो दीवार भी बनेगी, दीवार बनेगी तो घर बनेगा. ऐसे ही प्लांट टिश्यू में सबसे पहली यूनिट है सेल, तो सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू. अब करते हैं डेफिनेशन. द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. नाउ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, बट वी आर डूइंग प्लांट टिश्यू टूडे. सो प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन सेकेंड परमानेंट टिश्यू. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन क्लासिफाइड इन टू थ्री काइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन और लोकेशन. अब डेफिनेशन करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. The dividing tissue due to which growth occurs in certain specific regions of plants is known as meristematic tissue. Now, three kinds of meristematic tissue. First one, apical meristem, then intercalary meristem, and third one, lateral meristem. Now, apical meristem, it is present always at the tip part of the plant parts, means at the tip of the roots or stems. In this figure, you can see this green one. So, it is present at the tip. And what does it do? It increases the length of the roots or the stem. Now, intercalary meristem, this is present at the internodes and at the base of the leaf. जो leaf का base होता है वो stalk होती है, तो उसके base पे वो present होगा intercalary meristem. And it is responsible for the elongation, means it increase the length of the stalk. तो ये stalk की length को increase करता है और stem में nodes को, तो stem की भी length के लिए होता है. जैसे वो इस तरह से अगर आप देखोगे तो stem increase हो रहा है और उसकी branches हैं, तो ब्रांचेस जो इंक्रीज हो रही है उनका इलोंगेशन हो रहा है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है. अब थर्ड वन है लेटरल मेरिस्टेम. द लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द गर्थ, मींस द रिंग्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. सो वी कैन सी द विड्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स. सो इट मींस इट्स इंक्रीजिंग ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम. जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कुछ स्टेम बहुत थिक है और कुछ थिन है, तो वो जो थिकनेस है, वो जो उसकी गर्थ है, वो किस टिश्यू की वजह से इंक्रीज हुई है, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज हो रही है. इन दिस यू कैन सी दैट दीज आर द रूट्स एंड एट द टिप. सो एट द टिप ऑफ द रूट्स देयर विल बी एपिकल मेरिस्टेम एंड नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो दिस इज द स्टॉक and leaf at the base of the this leaf there will be which one, intercalary meristem. And you can see between these node, means one leaf ke aur jo dusri leaf ke beech mein jo ye part hai, yahan aur yahan aur is leaf ke niche ye band pe, to yahan kaun sa hoga, intercalary meristem. अभी लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेम ये तो स्टेम बहुत थिन है, इसमें तो हम नहीं बता सकते, बट इसका जो अगर ये ऐसे ही प्लांट ग्रो करेगा और स्टेम की जो विड्थ बढ़ती जाएगी, सर्कुलर स्ट्रक्चर मींस रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो वो जो है वो गर्थ वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होगी. नाउ परमानेंट टिश्यू. देयर आर टू काइंड्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. फर्स्ट वन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू. The cells of meristematic tissue take up their role and lose the ability to divide and take permanent shape and size to form permanent tissue. Means जब वो और आगे divide नहीं हो पाती हैं, तो वो एक permanent shape और size ले लेती हैं और उस time उस form को permanent tissue कहते हैं.
जैसे कि अभी हमारी हाइट है तो वो एक टाइम पीरियड होता है, तभी तक वो हाइट बढ़ती है, उसके बाद वो हाइट स्टॉप हो जाती है, पर डेवलपमेंट फिर भी आगे होती रहती है। तो इसी तरह से टिश्यू में है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो डिवाइड होने का रोल है, फंक्शन है, वो स्टॉप हो जाता है, वो एबिलिटी नहीं रहती है, तब वो परमानेंट शेप एंड साइज ले लेती है और वो फॉर्म परमानेंट टिश्यू होती है। अब डिफ्रेंसिएशन क्या है, जो ये प्रोसेस है पूरा, जो शेप और साइज परमानेंट ले रहे हैं, इस प्रोसेस को ही डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सो देयर आर मेनली थ्री काइंड, फर्स्ट वन पेरेन्काइमा, सेकेंड वन कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कॉमनली नोन एज पैकिंग टिश्यू एंड कोलेन्काइमा नोन एज फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू। सो आई विल डिफाइन ऑल दीज विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। व्हेन द पेरेन्काइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल देन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, so it is called chlorenchyma. And now next one, aerenchyma. In aquatic plants, there is a large air cavities that provide buoyancy to the plant to float. So that's why it is called aerenchyma. Aeren means air. Parenchyma tissue ka function kya hai? So parenchyma tissue provides support to the plants and parenchyma tissue offers stems and roots, stores न्यूट्रिएंट एंड वाटर। लेट्स डू डिफरेंस अमंग पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट पॉइंट, थिन सेल वॉल, एंड इन कोलेन्काइमा थिक एट द कॉर्नर्स, यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, एंड स्क्लेरेन्काइमा थिकर सेल वॉल। एंड सेकेंड पॉइंट, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मीन्स बिटवीन सेल्स, तो जो स्पेस सेल्स के बीच में है, that is large in parenchyma tissue. In colenchyma, it is very less. You can see here the little bit red mark. And in sclerenchyma, no space because these are compactly paired. So there is no space. And third point is unspecialized cells. So you can see in this figure, these are not a special biostructure. And in colenchyma, these are elongated and irregular. In sclerenchyma, long and narrow. And fourth one, parenchyma tissue provides support and stores food. In colenchyma, it provides mechanical support and flexibility to the plants, so leaves and stalks, stem can bend without any damage or breaking. Sclerenchyma provides stiffness to the plant parts. Hardness or stiffness, you can see example husk of a coconut and nuts. So these are very hard. So and it provides stiffness. Fifth point, live cells. In parenchyma tissue, these are live cells, and in colenchyma also live cells. In sclerenchyma, the cells are dead. Hardness or stiffness is due to the presence of a chemical substance that is called lignin. So lignin gives hardness or stiffness. And now we will talk about the epidermis. It is the outermost layer of a plant parts, leaf, roots or stems. To leaf mein outermost layer jo uski hai wo protect karti hai use damage se aur invasion of a parasitic fungi se. Ab aise hi desert plant hai. Desert plant mein example main deti hu aloe vera ka. तो उसमें देखेंगे उसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत थिक होती है, उसके ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग भी होगी और वो कोटिंग है क्यूटिन, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस और थिक वैक्सी कोटिंग, एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, इट मींस ये उसके वाटर कैपेसिटी को रिटेन करके रखता है। और उसके बाद है बार्क ऑफ ट्रीज, मीन्स स्टेम की बात करते हैं। सो एज प्लांट ग्रोज ओल्डर, द ओल्ड सेल्स रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम इट गिव्स हार्डनेस, मीन्स जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी,
तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जैसे कि हमने भी स्क्लेरेंकाइमा में बात की थी, और वो स्पेस भी नहीं और हार्ड भी होगा, स्टिफनेस देता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क और बार्क ऑफ ट्रीज। तो बार्क ऑफ ट्रीज या कॉर्क, ये है इसका आउटर पार्ट, स्टेम की आउटर लेयर, जो कि सर्टेन चेंजेस की वजह से हार्डनेस आती है। तो अभी इसमें एक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है, वो क्या है इन सेल्स के अंदर, सवेरिन। अब सवेरिन क्या काम करता है, इसका क्या फंक्शन है, इट मेक्स देम इम्परवियस टू दी वाटर एंड गैसेस। मींस अब वाटर का ये जो गैसेस का है उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। अभी करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म सेम फंक्शन। अब एक ही फंक्शन को करने के लिए उसमें कई सेल्स कंबाइन होती हैं, और उसका एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें आपने सुना कि वास्कुलर बंडल्स हैं, भाई इसमें है या नहीं प्लांट्स में, तो जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें सभी में वास्कुलर बंडल्स होते हैं, और वास्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनके कंस्टिट्यूंट क्या है, इनकी हेल्प कौन कौन करता है, तो वही हम करेंगे अभी। कंस्टिट्यूंट्स और आप इसे एलिमेंट्स भी कह सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। सो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीट्स एंड वेसल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, ट्रेकीट्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स किस तरह से काम करते हैं। सो फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स, फ्रॉम रूट्स टू All parts. It means tracheids और vessels allow करते हैं water transport को, mineral transport को vertically in the all parts. And अब हमें बताएं कि water आता कहाँ से है, root absorb करती हैं soil से, तब वो plant के all parts में transport किया जाता है। और xylem parenchyma और xylem fibers क्या काम करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा parenchyma का काम है food storage का, तो यहाँ भी जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, बट वो वाटर कंडक्शन में सपोर्ट करती है, और जाइलम फाइबर भी वाटर कंडक्शन में ही सपोर्ट करते हैं इस फंक्शन में। तो अभी नेक्स्ट करेंगे फ्लोएम। जैसा कि पढ़ा कि जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, तो खाने का काम कौन करेगा, तो फूड के लिए किसका काम है, फ्लोएम का। तो फूड प्रिपेयर कहाँ होता है, लीफ में। तो ऑब्वियसली जब लीफ में प्रिपेयर हो रहा है तो ऑल पार्ट्स को चाहिए, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीफ टू दी ऑल पार्ट्स किसका काम है, फ्लोएम का। इट मींस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दी फूड फ्रॉम लीव्स टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। अब फ्लोएम के एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूंट्स क्या है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इसमें भी जो हमारे ये जो मेन दो है, सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा सपोर्ट करेंगे। अब फंक्शन आपको मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और ये इसका फिगर दिया था, तो ये आज फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है, मींस इसमें हमने फुल प्लांट टिश्यू पढ़ लिया है। लेकिन इसके लिए एक और थिंग है जो मैं आपको बताती हूँ, कि जब कभी भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं प्लांट पार्ट्स को, तो उनको स्टेन किया जाता है, सो विच स्टेन वी यूज, दैट इज सेफ्रानिन, दैट इज सेफ्रानिन। एनिमल टिश्यू हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो अभी मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, बाय।